हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डर्मोकैम ओसी क्रीम के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। तो जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, डर्मोकैम ओसी नाम की क्रीम है जो कि एल्कम कंपनी की है, और इसका MRP 70 पे है। और इसका काम एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल है। लेकिन लड़के लड़कियाँ इसका इस्तेमाल ज़्यादा गोरे होने के लिए करते हैं। ये डर्मोकैम ओसी और पेंड्रम प्लस क्रीम दोनों सेम होती है, सेम फॉर्मूला होता है इन दोनों का। दोस्तों, ये एक मेडिसिन है, लेकिन लड़के और लड़कियां ज़्यादातर इसका इस्तेमाल गोरे होने के लिए, चेहरे को साफ़ करने के लिए करते हैं, जो कि नुकसानदायक हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। दोस्तों, इसका उपयोग फंगल इन्फेक्शन के बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई एलर्जी, दाद, खाज, खुजली, जांघों के बीच में दाद या खाज खुजली होना, गुप्त अंगों में खुजली, योनि में खुजली, सूजन या फिर लाल चकत्ते होना शरीर पर, मस्से के लिए एक्जिमा, सोरासिस, त्वचा पर परत वाले लाल चकत्ते होना, बेड सोर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और डर्माटाइटिस फफोले के लिए किया जाता है। फफोले होते हैं जैसे शरीर पर, उनमें छोटे छोटे होते हैं, उनके अंदर पानी भर जाता है, उनको फफोले कहा जाता है, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक करने के लिए, और जख्म सुखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, सूखी त्वचा के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कई लड़के और लड़कियां इसका इस्तेमाल गोरे होने के लिए करते हैं, जो कि सही नहीं है। इसको मेडिसिन की तरह यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये चमड़ी को पतला करती है और नुकसान पहुंचाती है। पहले लगाते रहने से तो इस चेहरा साफ नज़र आने लगता है, लेकिन बाद में चेहरे पर ज़्यादा दिन लगाने से दाने निकल आते हैं और चेहरा काला पड़ने लगता है। तो इसे ऐसे ज़्यादा दिन तक फेस पर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, इसके नुकसान भी है, साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे कि स्किन का पतला होना, और जहाँ पर इसे अगर रिएक्शन कर जाए वहाँ पर जलन भी होने लगती है। तो ऐसे में हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से पूछकर इसका उपयोग करना चाहिए।